जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 13 में। इस पार्ट में हम इंग्लिश के 150 मजीद वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। वर्ड है जी इंजरी। सेंटेंस बनाते हैं इंजरी का। ही हैज एन इंजरी, मतलब उसे जख्म आया है, उसे इंजरी हुई है, वो जख्मी हुआ है। तो इंजरी का मतलब होता है जख्म। सेंटेंस बनाया हमने ही हैज एन इंजरी। वर्ड है इनर। सेंटेंस है The money is in the inner cabinet. पैसे अंदर वाली अलमारी में है। एक अलमारी बाहर वाली है और उसके अंदर एक और अलमारी हो तो उसे फिर इनर कहेंगे, अंदर वाली। एग्जाम्पल हमने देखी, the money is in the inner cabinet. वर्ड है innocent. He is innocent. अब innocent को हम दो मीनिंग्स में यूज कर सकते हैं जो कि मिलते जुलते हैं। एक मैंने लिखा he is innocent और एक मैं लिखूंगा he is an innocent child या he is an innocent boy। ठीक है, अब ये जो पहला सेंटेंस है he is innocent, अगर आपको यकीन हो कि किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो आप कह सकते हैं कि वो इनोसेंट है, वो मासूम है, वो बेगुनाह है, जिस तरह हम कहते हैं। और यहां पे जो है ही इज एन इनोसेंट बॉय, वो एक मासूम लड़का है। तो इनोसेंट का मतलब हो सकता है बेगुनाह या फिर मासूम। सेंटेंसेस हमने देखे ही इज इनोसेंट, ठीक है, और ही इज एन इनोसेंट बॉय। तो एक जगह पे हमने इसे नाउन के तौर पे यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में इसको हमने वर्ब के, पहले सेंटेंस में हमने वर्ब के तौर पे यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में इसे नाउन के तौर पे यूज किया है। वर्ड है जी इंक्वायरी। डू यू हैव एन इंक्वायरी? अब इंक्वायरी जो है वो इंक्वायर से निकला है। इंक्वायर का मतलब होता है सवाल पूछना। अगर आप सेल्स डेस्क पे बैठे हैं या आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं और वो पूछते हैं डू यू हैव एन इंक्वायरी, क्या आपने कुछ इंक्वायर करना है, क्या आपने कोई सवाल पूछना है, क्या आपका कोई सवाल है, तो इंक्वायरी का मतलब होता है सवाल, कुछ आपने इंक्वायर करना हो, कुछ पूछना हो। सेंटेंस हमने देखा Do you have an inquiry? Word है inside. Sentence है come inside, मतलब अंदर आ जाओ। Inside, अंदर। Sentence हमने देखा come inside. Word है inside. Example sentence है Can you give me your insight on this? Let's suppose topic. क्या आप इस टॉपिक पे मुझे अपनी जो आप सोच रहे हैं, जो आपके अंदर की सोच है वो आप मुझे बता सकते हैं? तो insight होती है सोच, कि आप क्या सोच रहे हैं, insight। ठीक है जी। एग्जाम्पल हमने यूज की कैन यू गिव मी योर इनसाइट ऑन दिस टॉपिक। वर्ड है इंसिस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस है इफ यू इंसिस्ट देन आई विल गो
विद यू। अगर आप इसरार करते हैं तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो इंसिस्ट का मतलब है इसरार करना, बार बार कहना यार चलना यार चलना यार चलना यार, इंसिस्ट करना, इसरार करना। एग्जाम्पल हमने देखी, इफ यू इंसिस्ट देन आई विल गो विद यू। और यहां पे बेहतर यह है कि हम आई विल को शॉर्ट करके आई'ल लिखें और पढ़ें, इफ यू इंसिस्ट देन आई'ल गो विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है जी इंस्पायर। वर्ड है इंस्पायर। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इन, ऐसा कर देते हैं, या शी इंस्पायर्स मैनी यंग विमेन। कोई एक खातून है जो बहुत मशहूर है, तो उसके बारे में हम कह रहे हैं कि शी इंस्पायर्स मैनी यंग विमेन, कि वो काफी नौजवान लड़कियों को इंस्पायर करती है। यानी कि उससे वो जो नौजवान लड़कियां हैं वो इंस्पायर्ड होती हैं, उससे वो जोश पकड़ती हैं, उसे उस जैसा बनना चाहती हैं। ठीक है, तो इंस्पायर होता है जोश, ठीक है, ये जोश दिलाना। और हमने सेंटेंस यूज किया शी इंस्पायर्स मैनी यंग विमेन। अगला वर्ड है जी इंस्टॉल। अब इंस्टॉल डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर भी। तो हम कहते हैं, लेट सपोज अगर मैं ये कहूं आई एम इंस्टॉलिंग अ न्यू ऐप ऑन माय मोबाइल, तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैं अपने मोबाइल के अंदर नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूं, नई ऐप डाउनलोड करके अब उसको उसके अंदर डाल रहा हूं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि लेट सपोज आपने कोई बेड या कोई अलमीरा मंगाई, अलमारी, अब आप उसको खुद लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम इंस्टॉलिंग अ न्यू अलमीरा इन माय रूम, कि मैं अपने कमरे में मैं अपने कमरे में नई अलमारी इंस्टॉल कर रहा हूं। तो अलमीरा के मेरे ख्याल से तो स्पेलिंग यही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रहा है। तो अलमीरा मेरे ख्याल से क्योंकि ब्रिटिश वर्ड है इस वजह से नहीं दिखा रहा। तो इंस्टॉल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या फिर कोई चीज लगाना, उसको इंस्टॉल करना, कोई बनी बनाई चीज हो उसको फिर आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी। और हमने सेंटेंस देखे आई एम इंस्टॉलिंग अ न्यू ऐप ऑन माय मोबाइल और आई एम इंस्टॉलिंग अ न्यू अलमीरा इन माय रूम। वर्ड है जी इंस्टेंस। सेंटेंस है कम हियर दिस इंस्टेंस, कि इसी इस नाम में इसी लम्हे में यहां आओ। तो इंस्टेंस होता है लम्हा। एग्जाम्पल हमने देखी कम हेयर दिस इंस्टेंस, गेट आउट ऑफ हेयर दिस इंस्टेंस, ठीक है जी, यहां से निकल जाओ, इसी लम्हे यहां से निकल जाओ। मैं लिख देता हूं गेट आउट ऑफ हेयर दिस इंस्टेंस। वर्ड है इंस्टेड। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा इंस्टेड ऑफ, जैसा कर लेता हूं, यू शुड डेवलप योर ओन मटेरियल इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स। अब जिस तरह YouTube पे बहुत से लोग एक दूसरे की मटेरियल को कॉपी करके वीडियोस बनाते हैं, तो हम उनको कह रहे हैं कि आपको अपना मटेरियल खुद बनाना चाहिए,
बजाय इसके कि आप दूसरों को कॉपी करें, तो इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। सेंटेंस हमने देखा, यू शुड डेवलप योर ओन मटेरियल इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स। वर्ड है इंस्टीट्यूशन, सेंटेंस है। अब इंस्टीट्यूशन भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि आई एम टीचिंग एट एन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, कि मैं एक इंग्लिश के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उनको मेंटल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो पागल खाना हम जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदारे होते हैं, उनको भी हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन होता है इदारा, या फिर कॉलेज वगैरह, या फिर मेंटल इंस्टीट्यूशन वगैरह। एग्जाम्पल हमने देखी, आई एम टीचिंग एट एन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। एक और एग्जाम्पल मैं कर सकता हूँ, आई एम वर्किंग एट एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, इस अगर देता हूँ लर्निंग, ठीक है, कि मैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाने से रिलेटेड है उसमें काम कर रहा हूँ। वर्ड है इंस्टीट्यूशनल। यू शुड फॉलो द इंस्टीट्यूशनल कोड ऑफ एथिक्स। क्या आपको जो हमारे इंस्टीट्यूशन के कोड ऑफ एथिक्स हैं, कि हमने काम किस तरह करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, इखलाक क्या होना चाहिए हमारा, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं इंस्टीट्यूशन के, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल हमने देखी, यू शुड फॉलो द इंस्टीट्यूशनल कोड ऑफ एथिक्स। वर्ड है इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल सेंटेंस है, प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मेरी इंस्ट्रक्शंस की पैरवी करें। तो इंस्ट्रक्शन जो मैं इस वक्त आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपने एक्सरसाइज इस तरह करनी है, ये करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहलाती है इंस्ट्रक्शन। हमने सेंटेंस देखा, प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। वर्ड है जी इंस्ट्रक्टर। ही इज अ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, के जिस हम कहते हैं कि वो रियाजी को का टीचर है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रियाजी का इंस्ट्रक्टर है। तो इंस्ट्रक्टर वो बंदा होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, और टीचर को भी इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं। जिस तरह गाड़ी चलाने वाला इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपको गाड़ी चलाना सिखाता है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, अच्छा आप ये दबाओ, ये करो, हॉर्न दबाओ, लेफ्ट मुड़ो। तो एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज अ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, अब इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हो सकते हैं। सिंपल मीनिंग में हम कहते हैं, डू यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूँ। क्या म्यूजिक का कोई साज बजाते हैं, तो साज को इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप दूसरी चीज को खोल सकें, ठीक है। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल देखी सिंपल, डू यू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वर्ड है जी इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, नाउन के तौर पे भी यूज होते हैं। सिंपल मैं कर देता हूं, यू नीड अ ट्रेवल इंश्योरेंस। क्या आपको सफरी बीमे की जरूरत है, आपको जो ट्रेवल करना है उसके लिए बीमे की जरूरत है। तो
तो इंश्योरेंस होती है बीमा. एग्जाम्पल देखिए हमने, यू नीड अ ट्रेवल इंश्योरेंस. वर्ड है इंटेलेक्चुअल. ही इज एन इंटेलेक्चुअल. वो एक इंटेलेक्चुअल है, ठीक है. जिस तरह इंटेलेक्चुअल जो होता है, तज्जिया निगार, इंटेलेक्ट से निकला. इंटेलेक्ट होता है अक्ल से रिलेटेड चीज, ब्रेन से रिलेटेड चीज, ठीक है. तो इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा जो बंदा होता है, मुबस्सिर जो होता है, उसको कहते हैं. एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज एन इंटेलेक्चुअल. वर्ड है इंटेलिजेंस. एग्जाम्पल सेंटेंस हम करते हैं, दिस वर्क नीड्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. ये जो काम है इसके लिए बहुत ज्यादा अक्ल की जरूरत है. तो इंटेलिजेंस जो है वो होती है अक्ल, ठीक है. तो इसके अलावा भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ठीक है. इंटेलिजेंस का वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब है इंटेलिजेंट से, कि ये बंदा बहुत अक्लमंद है, जिसे हम कहते हैं ना. तो हमने कहा है किस काम के लिए अक्ल की जरूरत है, दिस वर्क नीड्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. अगला सेंटेंस है जी इंटेंड. एग्जाम्पल, आई डोंट इंटेंड टू हार्म यू. मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं. तो इंटेंड का मतलब होता है इरादा. एग्जाम्पल देखिए हमने, आई डोंट इंटेंड टू हार्म यू. वर्ड है इंटेंस. एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस सीन इज वेरी इंटेंस. अब हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई मार धाड़ का, लड़ाई का सीन आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो सीन है ये बहुत इंटेंस है, कि इंटेंसिटी से भरा पड़ा है, ठीक है. तो इंटेंस उस मीनिंग में हम यूज करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा मार कुटाई, बहुत ही ज्यादा जो है ना इंटेंस, उसको कहते हैं. एग्जाम्पल हमने देखी, दिस सीन इज वेरी इंटेंस. इंटेंसिटी. एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी ऑफ दिस सीन इज हाई. के देखें, इंटेंस जो निकला है ना, वो निकला है टेंस, टेंस यानी कि टेंशन वाली चीज से. इंटेंसिटी के इस चीज की इंटेंसिटी, सीन की इंटेंसिटी यानी कि बहुत ज्यादा है, यानी कि इस बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को कहते हैं इंटेंशन. जिस तरह हम कहते हैं माय इंटेंशन, माय इंटेंशंस वर गुड. हम कोई काम कर रहे थे जिससे किसी का नुकसान हो गया, तो हम कहते हैं माय इंटेंशंस वर गुड, लेकिन मेरे जो इरादा था, मेरी इंटेंशन थी वो अच्छी थी. तो इंटेंशन होता है कि आपने क्या इरादा किया है. तो एग्जांपल हमने देखी, माय इंटेंशंस वर गुड. इंटरेक्शन. वर्ड है, सेंटेंस है, आई नीड मोर सोशल इंटरेक्शन. कि मुझे सोशल लोगों से मिलने की ज्यादा जरूरत है, कि मैं उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करूं, मेल झोल, ठीक है. तो इंटरेक्शन होता है मेल झोल. एग्जाम्पल हमने देखी, आई नीड मोर सोशल इंटरेक्शन. वर्ड है
वर्ड है जी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो एग्जांपल्स सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं इनके मीनिंग्स। जिस तरह है आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर स्टोरी, कि मुझे आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे दिलचस्पी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे सूद के, जो बैंकों का सिस्टम है, बैंकिंग निज़ाम है आजकल का, वो सूद पे चलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट होता है मुफाद भी होता है, कि जिस तरह हम कहते हैं कि ही हैज हिज वेस्टेड इंटरेस्ट, कि उसके अपने कुछ ज़ाती मुफादात हैं। तो मुफाद के उसके अपने कुछ ज़ाती फायदे हैं, तो उसको भी हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट यहीं से ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट का मतलब हो सकता है दिलचस्पी, या फिर सूद, या फिर मफाद या फायदा। एग्जाम्पल्स हमने देखी, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर स्टोरी, द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स ऑन इंटरेस्ट, ही हैज हिज वेस्टेड इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इंटरेस्टेड का मतलब है दिलचस्पी। एग्जाम्पल हमने देखी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वर्ड है इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल द स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है, जो इसकी कहानी है, वो बहुत दिलचस्प है। तो इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने बनाया, द स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वर्ड है इंटरनल। एग्जाम्पल सेंटेंस है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। दो लोग किसी घर में लड़ाई हो रही है, आप जाके कहते हैं यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहेंगे दिस इज आवर इंटरनल मैटर, कि ये हमारे अंदर का मसला है, अंदरूनी मसला है। तो इंटरनल होता है अंदरूनी, अंदर का। एग्जाम्पल हमने देखी, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। वर्ड है इंटरनेशनल। आई वर्क इन एन इंटरनेशनल कंपनी, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक बैन अलाक्वामी कंपनी में काम करता हूँ। तो इंटरनेशनल होती है जो कि डिफरेंट देशों में काम करती है, डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट मुल्कों से रिलेटेड, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो सेंटेंस हमने देखा, आई वर्क इन एन इंटरनेशनल कंपनी। वर्ड है जी इंटरनेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये सर मैं आसान लिख देता हूं, इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, कि इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इंटरनेट वही जिसके जरिए आप YouTube पे
iFactionary.com की ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है जी, इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड है इंटरप्रेट। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। इंटरप्रेट वैसे तो कहते हैं कि एक लैंग्वेज, एक जबान, एक भाषा से दूसरी भाषा में जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर जो होता है उसको कहते हैं इंटरप्रेट। लेकिन कोई भी चीज आप यहां पे हमने यूज किया कि आप इसको गलत ले रहे हो, आप इसको गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। ठीक है, तो इंटरप्रेट होता है ट्रांसलेट करना। एग्जाम्पल में हमने देखा यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। अब वर्ड है जी इंटरप्रेटेशन। वही चीज को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि योर इंटरप्रेटेशन इज रॉन्ग, कि आपकी जो इंटरप्रेटेशन है, जो आप बता रहे हो इंटरप्रेट करके, समझ के कोई कहानी बता रहे हो, तो वो गलत है। तो इंटरप्रिटेशन होती है किसी चीज को समझ के, जो आपकी समझ में आई है वो आप बताएं दूसरे को। एग्जाम्पल हमने देखी, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ, इस तरह कर देता हूं, ऑफ द करंट सिचुएशन इज रॉन्ग, कि जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो गलत गलत है। वर्ड है जी इंटरवेंशन। सेंटेंस में यूज करते हैं, वी डोंट नीड फॉरेन इंटरवेंशन, कि हमें बाहर बाहर की फॉरेन इंटरवेंशन यानी कि बाहर की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, बाहर की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। तो इंटरवेंशन होती है मुदाखलत। एग्जाम्पल हमने देखी, वी डोंट नीड फॉरेन इंटरवेंशन। वर्ड है जी इंटरव्यू। सेंटेंस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, कि वो एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। तो इंटरव्यू होता है जिसमें आपको से सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसका नौकरी का इंटरव्यू। एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। इन टू एग्जाम्पल, शी इज डीप इन टू ड्रग्स, कि वो ड्रग्स में धंसी हुई है। ठीक है जी, तो इन टू होते हैं में, अंदर। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, शी इज डीप इन टू ड्रग्स। वर्ड है जी इंट्रोड्यूस। एग्जाम्पल सेंटेंस है, लेट मी इंट्रोड्यूस myself, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दें, मुझे अपने आप का तारुफ करने दें। तो इंट्रोड्यूस होता है तारुफ करना, तारुफ कराना। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखा, लेट मी इंट्रोड्यूस myself। वर्ड है जी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल सेंटेंस, This is an introduction lesson, कि ये आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लेसन है, इंट्रोडक्शन का लेसन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होती है किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना, या मैं जिस आपको इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन आप उस तरह कहते हैं। अच्छा यार, इंट्रोडक्शन तो दो ना अपना, जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो वो कहेंगे गिव अस योर इंट्रोडक्शन,
कि अपना आपको इंट्रोड्यूस तो कराओ ना। तो यहां पे हमने एग्जांपल देखी, दिस इज एन इंट्रोडक्शन लेटर लेसन। वर्ड है जी इन्वेजन, एग्जाम्पल सेंटेंस होगी द इन्वेजन वॉज सक्सेसफुल, कि जिस तरह एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करे और उसको इन्वेड कर ले, ठीक है, उसको ऊपर कब्जा कर ले, तो उसको कहेंगे इन्वेजन, कि इन्वेजन सक्सेसफुल थी, कामयाब थी। इसी तरह इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी होती है कि आपकी जो जाती जिंदगी है उसमें लोग जो हैं उसमें से उसमें चीजें ढूंढने लग जाएं, तो वो भी होती है इन्वेजन। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया द इन्वेजन वॉज सक्सेसफुल। वर्ड है जी इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्ट इन द हाउसिंग बिजनेस, कि आपको घर बनाने वाले बिजनेस से रिलेटेड कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी, आपको उसके अंदर पैसे लगाने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से निकला है इन्वेस्ट, के आप लगाओ। इसी तरह यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग इंग्लिश, कि आपको अपना टाइम लगाना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि हर चीज टाइम को भी इन्वेस्ट करते हैं हम। यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग इंग्लिश, कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए अपना टाइम लगाना चाहिए। तो इन्वेस्ट होता है लगाना, जिस पैसे लगाने, टाइम लगाना, एनर्जी लगाना। एग्जाम्पल हमने देखी, यू शुड इन्वेस्ट इन द हाउसिंग बिजनेस, यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग इंग्लिश। वर्ड है जी इन्वेस्टिगेट, सेंटेंस है लेट हिम इन्वेस्टिगेट द मैटर, किस मामले को उसे इन्वेस्टिगेट करने दो, कि वो इस मामले की खोज लगाए। तो इन्वेस्टिगेट होता है जांच पड़ताल करना, पूछना, ठीक है, खोज लगाना। एग्जाम्पल हमने देखी, लेट हिम इन्वेस्टिगेट द मैटर। वर्ड है इन्वेस्टिगेशन, वी शुडेंट इंटरफियर इन द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है उसमें हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जिस तरह करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोई और इन्वेस्टिगेशन चल रही हो सकती है, पुलिस वो इंटरोगेशन होती है, पुलिस तो इंटरोगेट करती है, तो इन्वेस्टिगेशन होती है, वही इन्वेस्टिगेट से निकला है जो हमने पहले डिस्कस किया है। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, वी शुडेंट इंटरफेयर इन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर, हु इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस केस, कि इस केस की जांच पड़ताल कौन कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है। एग्जाम्पल हमने देखी, हु इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस केस। वर्ड है इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई नीड some investment to expand my business,
मुझे अपने धंधे को, अपने कारोबार को फैलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट से निकला है, लगाने से। जिस तरह आप पैसे लगाते हैं तो पैसा इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल हमने देखी, आई नीड सम इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड माई बिजनेस। वर्ड है जी इन्वेस्टर। डू यू नो ऑफ एनी इन्वेस्टर हु मे बी इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस आइडिया? मैंने आपको कोई बहुत अच्छा धंधे से रिलेटेड या कारोबार से रिलेटेड कोई आइडिया दिया है, और अब मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी ऐसे इन्वेस्टर का पता है जो कि इस आइडिया में इंटरेस्टेड हो? तो इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और किसी कंपनी में इन्वेस्टर हो सकते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करें, पैसे लगाएं, पैसे लगाने वाला। तो एग्जाम्पल हमने देखी, डू यू नो ऑफ एनी इन्वेस्टर हु मे बी इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस आइडिया? इनवाइट। एग्जाम्पल, आई विल इनवाइट हर टू द पार्टी। अब मैं कोई पार्टी दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं उसको इनवाइट करूंगा, मैं उसको बुलाऊंगा, ठीक है जी। तो इनवाइट होता है किसी को मधु करना, बुलाना। एग्जाम्पल हमने देखी, आई विल इनवाइट हर टू द पार्टी। वर्ड है इन्वॉल्व। यू शुडेंट गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। क्या आपको इस मामले में दखल देने नहीं देना चाहिए, तो या इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दाखिल नहीं होना चाहिए? तो इन्वॉल्व है दखल। एग्जाम्पल हमने देखी, यू शुडेंट गेट इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन दिस मैटर। वर्ड है जी इन्वॉल्व। ऐसा कह सकते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन, कि वो करप्शन में इन्वॉल्व था, वो बुरे कामों में इन्वॉल्व था। ही वॉज इन्वॉल्व इन ड्रग्स। ही वॉज इन्वॉल्व इन रॉबरी, के वो डाके में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है मतलब वो शामिल था पास्ट में। एग्जाम्पल हमने देखी, ही वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है जी इन्वॉल्वमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं, हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस मैटर इज लिमिटेड, कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उसकी शमूलियत इस मामले में बहुत ही कम है। तो इन्वॉल्वमेंट होती है शमूलियत। एग्जाम्पल हमने देखी, हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस मैटर इज लिमिटेड। वर्ड इराकी सेंटेंस, ही इज एन इराकी सिटीजन, कि वो इराक का सिटीजन है, इराक का शहरी है। तो इराकी जो है वो इराक से रिलेटेड कोई चीज, जगह, बंदा, उसे इराकी कहेंगे। एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज एन इराकी सिटीजन। वर्ड आ गया जी आयरिश। एग्जाम्पल सेंटेंस वही के इस तरह कर देते हैं, शी इज आयरिश, ठीक है।
ये इस तरह दे रहे हैं थोड़ा सा, शी इज ऑफ आयरिश ओरिजिन, के वो आयरलैंड से उसका ताल्लुक है, उसका जो ओरिजिन है वो आयरलैंड का है, शी इज ऑफ आयरिश ओरिजिन। तो आयरलैंड से जिनका ताल्लुक हो किसी चीज का, बंदे का, उसको आयरिश कहेंगे। एग्जाम्पल हमने देखी, शी इज ऑफ आयरिश ओरिजिन, ही इज एन आयरिश सिटीजन। वर्ड है जी आयरन। अब आयरन के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिस तरह है एक हम कहेंगे आयरन इज अ मेटल, कि लोहा एक धात है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, प्लीज आयरन माय क्लोथ्स, के कृपया करके, मेहरबानी करके मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दो। तो आयरन लोहे को भी कहते हैं, आयरन स्त्री को भी कहते हैं, स्त्री करने को भी कहते हैं, स्त्री स्त्री करना और लोहा। एग्जाम्पल हमने देखी, आयरन इज अ मेटल। दूसरी एग्जाम्पल, प्लीज आयरन माई क्लोथ्स। वर्ड है जी इस्लामिक। सेंटेंस बनाते हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज रिलेटिवली न्यू, इस्लाम से रिलेटेड जो सिविलाइजेशन है वो बुनियादी तौर पे नई है, क्योंकि बाकी जो मजाहिब हैं जिस तरह क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज्म हो गया, वो पुराने मजहब हैं। इस्लाम जो है वो नई सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन उस सेंस में हमने कहा। तो इस्लाम से रिलेटेड जो चीज होगी वो है इस्लामिक। वर्ड हमने इसको सेंटेंस में यूज किया, इस्लामिक सिविलाइजेशन इज रिलेटिवली न्यू। वर्ड है जी आयरलैंड। आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस टू एन आइलैंड, मैं छुट्टियों के लिए एक जजीरे पर जा रहा हूं। तो आइलैंड का मतलब है जजीरा। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने ली, आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस टू एन आइलैंड। वर्ड है जी इजराइली। सेंटेंस, ही इज एन इजरायली सिटीजन, कि वो इसराइल का रहने वाला है। तो इसराइल से रिलेटेड जो चीज है उसको इसराइली कहेंगे, जिससे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस ली, ही इज एन इजरायली सिटीजन। वर्ड है जी इशू। अब इशू के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, देखते हैं सेंटेंसेस बना के। वॉट इज द इशू, अरे भाई इशू क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है। तो इशू यहाँ पे हमने मसले के तौर पे यूज किया है। प्लीज इशू मी एन, इशू मी आ कार्ड, कि मुझे एक कार्ड इशू कर दें यार, एक कार्ड दे दें। उस सूरत में भी इशू को यूज करते हैं। तो इशू मसले को भी कहते हैं, या फिर इशू करना, कोई इशू करवाना, पासपोर्ट इशू करवाना, आईडी कार्ड इशू कराना, करना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने देखी, व्हाट इज द इशू, या फिर प्लीज इशू मी अ कार्ड। वर्ड है जी इट। इट रन्स वेरी फास्ट। अब मैं इस तरह करता हूँ, जिस आई हैव अ कार, इट रन्स वेरी फास्ट, मेरे पास एक गाड़ी है वो बहुत तेज भागती है। तो इट जो है जानवरों के लिए या फिर बेजान चीजों के लिए हम ये या वो के, ये चीज वो चीज जब हमने यूज करना तो इट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के सेंटेंस हमने देखा, आई हैव अ कार, इट रन्स वेरी फास्ट। वर्ड है जी इटालियन। आई लाइक इटालियन
इटालियन फूड कि मुझे इटालियन खाना बहुत पसंद है, भोजन बहुत पसंद है। तो इटालियन जो है वो इटली से रिलेटेड चीज, शहरी खाना, कोई भी चीज हो। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखी, आई लाइक इटालियन फूड। वर्ड है जी आइटम। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं, डू यू हैव दिस आइटम। आइटम जो होता है, अब कोई भी चीज हो सकती है, चीज, क्या आपके पास ये चीज है। मैंने आपको सैंपल दिखाया और मैं कहता हूँ डू यू हैव दिस आइटम, क्या आपके पास ये चीज है। या मैंने आपको तस्वीर दिखाई उसकी, चीज की, और मैंने कहा डू यू हैव दिस आइटम, क्या आपके पास ये चीज है। तो आइटम होगा चीज। इसके अलावा आइटम नंबर्स भी होते हैं, आइटम गर्ल्स भी होती हैं, आइटम मैन भी होते हैं, ठीक है। शय, जैसे हम कहते हैं यार तू बड़ी शय है, तो उस सूरत में भी आप आइटम को यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी डू यू हैव दिस आइटम। इसके अलावा हम आइटम नंबर्स जो है वो लगाते हैं डिफरेंट चीजों पे जब हम दुकानदारी कर रहे हो, ठीक है। इट्स, अच्छा जी, इट्स का जुमला बनाते हैं। इट दे आर इट्स पॉप्स, ये उसके पिल्ले हैं। एक कुत्ते के बाद बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं ये जो पॉप्स हैं, ये पपीज हैं, ये उसके हैं। तो इट्स होता है मतलब उसकी चीज, जिस बेजान की चीज। इट्स मतलब इट्स टायर्स आर रस्टी, इट्स डोर आर रस्टी, आई हैव अ कार, जिस हम वही एग्जाम्पल लेते हैं आई, या यहाँ पे इट्स इस तरह यूज होगा, ठीक है। दे आर इट्स पॉप्स। वर्ड है जी इटसेल्फ। दिस कार कैन ड्राइव इटसेल्फ। अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसके बारे में हम बात करें कि ये गाड़ी खुद चल सकती है, इटसेल्फ, खुद ब खुद, खुद ही। एग्जाम्पल हमने देखी दिस कार कैन ड्राइव इटसेल्फ। वर्ड है जी जैकेट। वेयर योर जैकेट बिकॉज इट्स कोल्ड आउटसाइड। अब देखिए यहां पे मैंने दूसरा इट्स यूज किया है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है। यहां पे हम कह रहे हैं कि अपनी जैकेट पहन लो क्योंकि बाहर सर्दी है, तो जैकेट होती है जो हम सर्दियों में पहनते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी वेयर योर जैकेट बिकॉज इट्स कोल्ड आउटसाइड, वियर, ठीक है। जेल, ही इज इन जेल, वो जेल में है, तो जेल कैद खाना। एग्जाम्पल हमने देखी ही इज इन जेल। जैपनीज, सुशी इज अ जैपनीज फूड, जो सुशी कच्ची मछली टाइप चीज होती है, तो वो हम कह रहे हैं कि सुशी जो है वो जापानी खाना है, भोजन है। तो जैपनीज जो है वो जापान से रिलेटेड चीज, खाना, शाना, बंदा। एग्जाम्पल हमने देखी सुशी इज अ जैपनीज फूड। जेट, दिस एरोप्लेन, एयरप्लेन कर देते हैं, दिस एयरप्लेन हैज टू जेट इंजन्स, ठीक है। तो जेट जो है, जेट टेक्नोलॉजी, जेट जहाज जिससे होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज को कहते हैं। और यहां पे हमने कहा दिस एयरप्लेन हैज टू जेट इंजन्स। ज्यू, ही इज अ ज्यू,
वो यहूदी है, तो यहूदी को कहते हैं ज्यू। एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज अ ज्यू। वर्ड है जी ज्यूइश। हिज मदर वॉज ऑफ ज्यूइश ओरिजिन, कि उसकी माता माँ मतलब यहूदी थी, ओरिजिन। ठीक है जी, तो ज्यूइश ज्यू से रिलेटेड निकला, ज्यू से निकला है जिसका मतलब है यहूदी, यहूद से रिलेटेड। एग्जाम्पल हमने देखी, हिज मदर वॉज ऑफ ज्यूइश ओरिजिन। वर्ड है जी जॉब। आई नीड अ जॉब, मुझे नौकरी की जरूरत है, तो जॉब है नौकरी। एग्जाम्पल हमने देखी, आई नीड अ जॉब। ज्वाइन, एग्जाम्पल प्लीज ज्वाइन अस, के कृपया करके मेहरबानी करके हम में शामिल हों, हमें ज्वाइन करें खाने पे या जिस पे भी। ठीक है, ज्वाइन होता है शामिल करना होना। एग्जाम्पल हमने देखी, प्लीज ज्वाइन अस। ज्वाइंट, एग्जाम्पल द ज्वाइंट इज लीक, जिस तरह दो पाइपों के दरमियान ज्वाइंट लगाते हैं, या फिर हड्डियों के दरमियान ज्वाइंट होता है जहां पे हड्डियां मिलती हैं, उसको कहते हैं ज्वाइंट, जहां पे दो चीजें आपस में मिल रही हों। तो हमने कहा कि यहां पे जो ज्वाइंट है पाइपों में वो लीक कर रहा है, तो ज्वाइंट होता है ज्वाइंट से निकला है जिसका मतलब होता है मिले हुए चीज। एग्जाम्पल द ज्वाइंट इज लीक। जोक, लेट मी टेल यू अ जोक, मुझे आप एक लतीफा बताने दें, तो जोक होता है लतीफा। एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अ जोक। वर्ड है जी जर्नल। अब जर्नल भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं, जिस तरह माई पेपर हैज बीन पब्लिश्ड इन एन इंटरनेशनल जर्नल, कि मेरा जो पेपर है वो एक इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जर्नल में पब्लिश हुआ है। इसके अलावा जिस तरह लोग डायरीज लिखते हैं उनको भी जर्नल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आई एम कीपिंग अ जर्नल, कि मैं एक डायरी लिखता हूँ, मैं एक जर्नल लिख रहा हूँ, रखता हूँ। तो जर्नल जो होता है वो किताब से रिलेटेड चीज होती है, बुक से रिलेटेड चीज होती है, डायरी से रिलेटेड चीज होती है। एग्जाम्पल्स में हमने देखा, माय पेपर हैज बीन पब्लिश्ड इन एन इंटरनेशनल जर्नल। दूसरी एग्जाम्पल, आई एम कीपिंग अ जर्नल, आई एम राइटिंग अ जर्नल, इज एन एडिटर इन अ जर्नल। जर्नलिस्ट, जर्नल से निकला है, लेकिन जर्नलिस्ट आजकल जिस तरह हम जो टीवी जर्नलिस्ट होते हैं या न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं। ही इज अ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, कि वो एक अखबारी जर्नलिस्ट है, अखबार के लिए लिखता है। तो जर्नलिस्ट होता है जो जर्नल के लिए काम करता हो। तो पुराने जमाने में क्योंकि जर्नल्स के लिए जर्नलिस्ट काम करते थे, फिर न्यूज़पेपर्स के लिए काम करने लग गए, तो उधर से ये निकला है। और एग्जाम्पल हमने यूज की, ही इज अ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, एंड नहीं, ही इज अ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट। वर्ड है जी जर्नी। एग्जाम्पल अ जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with a first step। ठीक है, कि 1,000 mile की भी जो
सफर होता है वो पहले कदम से शुरू होता है, तो इसलिए कदम उठाओ। तो जर्नी होता है सफर, यहाँ पे हमने ईडियम यूज किया है, अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। जॉय एग्जाम्पल सेंटेंस है, दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय, जिसे हम कहते हैं ना कि ये खुशी के आंसू हैं। तो जॉय होता है खुशी। एग्जाम्पल हमने देखी, दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। जज एग्जाम्पल सेंटेंस है, डोंट जज मी, कि मुझे जज ना करो। एक्चुअली जज का मतलब होता है, जिसका जज जो कोर्ट में बैठा होता है वो केस का फैसला करता है, जज करता है, उस तरह से निकला है। लेकिन आजकल हम इसका भी यूज करते हैं कि मुझे ना जज करो, अपना काम करो, कि मैं गलत हूं कि सही हूं, ठीक है। तो उसी सेंस में आप कहते हैं डोंट जज मी। जजमेंट, द जज हैज गिवन हिज जजमेंट, के जज ने अपना फैसला दे दिया है। तो जजमेंट होता है फैसला, जिसे हम कहते हैं जजमेंट डे, फैसले का दिन। एग्जाम्पल यहां पे हमने देखी, द जज हैज गिवन हिज जजमेंट। जूस एग्जाम्पल, आई लाइक ऑरेंज जूस, कि मुझे माल्टों का जूस पसंद है, रस पसंद है। तो जूस का मतलब होता है रस। एग्जाम्पल हमने देखी है, आई लाइक ऑरेंज जूस। जम्प, ही जम्प्ड ओवर द ब्रिज, उसने ब्रिज से छलांग लगा दी। तो जंप होता है छलांग या छलांग लगाना। एग्जाम्पल हमने पास्ट सिंपल टेंस में ली है, ही जम्प्ड ओवर द ब्रिज। वर्ड है जूनियर, ही इज जूनियर टू मी। ऑफिस में जिस आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो काम करते हैं, आपसे छोटे जो लोग होते हैं छोटे, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि वो मुझसे छोटा है, यानी कि उसका जो लेवल है काम करने वाला वो मेरे मातहत है, ठीक है। तो जूनियर यहां पे मातहत के तौर पे यूज हुआ है, छोटा। एग्जाम्पल, ही इज जूनियर टू मी। वर्ड है जी ज्यूरी, फिल्मों में कहते हैं ना, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, कि ज्यूरी जो है अपने फैसले पर पहुंच चुकी है। तो ज्यूरी जो होती है, जो जज के साथ बैठ के डिसाइड करती है फैसले को, उसको ज्यूरी कहते हैं। खासतौर पे अमेरिकन लॉ सिस्टम में ज्यूरी होती है, जो कि जज करते हैं, फैसला देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। इसके अलावा जो आजकल गानों शानों के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी ज्यूरी होती है, जज जो बैठे होते हैं तीन चार। जस्ट, अब जस्ट के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जिस तरह कहते हैं जस्ट डू इट, नाइकी का लोगो है कि बस कर दो ये, ठीक है। या जस्ट का एक और मीनिंग होता है, ही वॉज अ जस्ट रूलर, कि वो एक अच्छा इंसाफ करने वाला हुक्मरान था। तो जस्ट का मतलब होता है सेफ, या अभी कर दो, या फिर जस्ट इंसाफ को भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा, जस्ट डू इट, ही वॉज अ जस्ट रूलर। या हम इस तरह भी कहते हैं, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, मैं बस एक आम सा आदमी हूं। वर्ड है जी जस्टिस। अब देखें, इस वाले जस्ट से निकले, ही वॉज अ जस्ट रूलर, इंसाफ से निकले जस्टिस। आई नीड जस्टिस, मुझे इंसाफ की जरूरत है।
तो जस्टिस का मतलब है इंसाफ. एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यूज किया आई नीड जस्टिस. वर्ड है जी जस्टिफाई. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने किया सही किया. कोई कहे यार तूने ये क्यों किया है, तो मैं आपको कहूंगा आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप अपने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल हमने यूज की आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ. वर्ड है जी कीप. कहते हैं ना कीप द चेंज, के छुट्टा तुम रख लो. तो कीप का मतलब है रखना. एग्जाम्पल कीप द चेंज. वर्ड है की. अब की के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. एग्जाम्पल आई लॉस्ट माई कार की, कि मुझसे मैंने अपनी गाड़ी की चाबी खो दी. तो की का मतलब है चाबी. एग्जाम्पल हमने यूज की आई लॉस्ट माई कार की. वर्ड है किक. He is kicking the ball. वो गेंद को लाते मार रहा है. तो किक होती है लात, टांग. जो हम किक नहीं लगाते फुटबॉल को. एग्जाम्पल हमने यूज की He is kicking the ball. वर्ड है जी kid. एग्जाम्पल He is just a kid. वो एक बस बच्चा है. माफ कर दे यार, बच्चा है, जिसे हम कहते हैं ना forgive him, he is just a kid. तो kid होता है बच्चा. Example हमने यूज की he is just a kid. पूरा मैं लिख देता हूँ forgive him, he is just a kid. Kill. Don't kill. किसी को कत्ल ना करो, किसी को ना मारो. तो किल का मतलब होता है मारना, जान से मारना. एग्जाम्पल हमने यूज की डोंट किल. किलर, ही इज अ किलर. वो एक कातिल है. तो किलर होता है जो किसी को मारे, ठीक है, कातिल. एग्जाम्पल हमने यूज की ही इज अ किलर. किलिंग, they are killing innocent people. वो मासूम लोगों को हलाक कर रहे हैं, वो मासूम लोगों को मार रहे हैं. तो killing होता है जान से मारने का process. Example हमने use की they are killing innocent people. Word है जी kind. अब kind के भी different meaning होते हैं. देखते हैं examples में. He is a kind man. वो एक मतलब उसका दिल बहुत अच्छा है, बुद्धिबाद बंदा है, नरम दिल का बंदा है, ठीक है जी. उसका एक उसका दिल नरम है. इसके अलावा हम कह सकते हैं there are many kinds of books, कि किताबों की बहुत सी किस्में हैं. तो kind का मतलब होता है नरम दिल या फिर किस्म. एग्जाम्पल हमने यूज की ही इज अ काइंड मैन. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बुक्स. वर्ड है जी किंग. हु इज द किंग ऑफ दिस कंट्री. इस देश का, इस मुल्क का बादशाह कौन है. तो किंग का मतलब है बादशाह. एग्जाम्पल हमने यूज की हु इज द किंग ऑफ दिस कंट्री. वर्ड है जी किस. ऐसा कर देते हैं शी किस्ड हर चाइल्ड. उसने अपने बच्चे को चूमा.
प्यार किया तो किसका मतलब होता है चूमना, प्यार करना, प्यार चुम्मी। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज किया शी किस्ड हर चाइल्ड। वर्ड है किचन, शी इज वर्किंग इन द किचन, वो बावर्ची खाने में काम कर रही है। तो किचन है बावर्ची खाना। एग्जाम्पल हमने यूज की शी इज वर्किंग इन द किचन। वर्ड है जी नी, यहाँ पे के साइलेंट है, नी। नी जो है आपका जो गोडा होता है। माई लेफ्ट नी इज हर्टिंग, कि मेरा बायां गोडा में दर्द हो रही है, तो नी है गोडा। एग्जाम्पल हमने यूज की माई लेफ्ट नी इज हर्टिंग। वर्ड है जी नाइफ, आई नीड आ शार्प नाइफ। अब देखें के साइलेंट है, मुझे एक मतलब तेज चाकू की जरूरत है, तो नाइफ का मतलब है चाकू, छुरी। एग्जाम्पल हमने यूज की आई नीड अ शार्प नाइफ। नॉक, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो नॉक है खटखटाना, या आपकी गाड़ी से भी नॉकिंग की आवाज आ सकती है कि दो चीजें आपस में टकरा रही हो, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यूज की हु इज नॉकिंग एट द डोर। नो, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, मुझे उसका पता है। तो नो का मतलब है जानना, पता होना। एग्जाम्पल हमने यूज की आई नो हिम। वर्ड है जी नॉलेज, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस मैटर, कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो नॉलेज है मतलब पता, ची मतलब जानना, जानने वाली चीज, कि आपकी नॉलेज कितनी है। एग्जाम्पल हमने यूज की आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस मैटर। तो गाइज एंड गर्ल्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactional.com को जरूर विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड गुड डे।